أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم. بحق محمد وعلي الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن قرأ الفاتحة. حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مصطفیٰ حسین رضوی عرف سلطان عالم صاحب ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب کی روح کو صاحب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته
أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صلوات. हाज़रीन ग्रामी क़दर मौज़ सामीन कराम सामीन और अज़ादारान मज़लूम करबला, इस आले सवाब की गरज से मुनाक़िद ये मजलिस जिसको ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, कोरोना और कोविड-19 के पेंडेमिक के माहौल में बहुत सी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में बदला बदला सा हम देखते हैं और दिखाना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी की रफ़्तार गुफ्तार जो तकरीबन पिछले 1.5 बरस से काफ़ी हद तक बदल चुकी है और हमने उसमें बाज़ औक़ात तब्दीली करने की कोशिश की कि उमूर दुनिया भी तातील ना हो और इस वबा और बला से भी अपने आप को महफूज रख सकें। लिहाजा मजालिस के सिलसिले में भी जो मजालिस कल तक बाकायदा तौर पर अपने इन्हमाक के साथ और अपने उस ज़ोर और शोर और उस अज़मत के साथ मुनाकिद हुआ करती थी कि अज़ादारान मज़लूम करबला मुहिब्बान अहले बैत जमा होते थे और फिर ज़िक्र फ़ज़ाइल अहले बैत और उनके मसाइब का तज़किरा करके शाद होते थे मोमिनीन और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते थे कि हम ऐसे अहले बैत के मानने वाले हैं कि जिनके अंदर ये फ़ज़ाइल व कमालात पाए जाते हैं। बहरहाल उस तरह से मजालिस मुनाकिद नहीं हो पा रही हैं और सोशल साइट्स के ज़रिए से इस तरीके से कि नई टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, हम मजालिस को बहरहाल बरपा भी कर रहे हैं, पुरसे भी पेश कर रहे हैं और फ़ज़ाइल व मनाक़िब आले मोहम्मद को मुंतकिल करने की भी कोशिश करते हैं। लिहाजा जिस मरहूम के इस आले सवाब की ये मजलिस है, पिछले बरस इंतकाल हुआ उनका, एक अजीम शख्सियत शहर की और एक ऐसे बाबरकत शख्स के जिसने अपनी औलाद की सूरत में बाबरकत हस्तियों को छोड़ा कि जो दीन मुबीन इस्लाम को नशर करने के लिए और मारिफ़ अहले बैत को फैलाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अपनी कोशिशों और काविशों में लगे हुए हैं और अपने चैनल के ज़रिए से उलूम आले मोहम्मद और फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को नशर और पख्श करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। लिहाजा सूरह वाक़िया से दो आयतें जिनकी तलावत का शरफ़ हासिल किया है आमतौर पर इस आला सवाब की मजालिस में, इन्हीं दो आयतों को तलावत करता हूँ कि जिसका तर्जुमा है नहनु क़द्दर ना बैनकुमुल मौत। सूरह वाक़िया आयत नंबर 60 और 61। अल्लाह एक हकीकत से पर्दा उठाते हुए ये कहता है कि हमने मौत को मकदूर कर दिया है और तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, यानी ये मौत हमारा मुकद्दर का एक जुज़ है कि जिसको लिखने वाला खुद खुदावंद आलम है, यानी इसको ना बदला जा सकता है ना इसको मिटाया जा सकता है। नहनु क़द्दर ना बैनकुमुल मौत, हमने मौत को तुम्हारे दरमियान मुकद्दर कर दिया है। वमा नहनु बिमज़बूक़ीना अला अन नुबद्दिला अम्सालकुम, और हम इस बात पर भी मगलूब नहीं हैं, कोई हमें मोहताज नहीं कर सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई हमारे ऊपर हुक्म जारी नहीं कर सकता, चूँकि मैं सारी कायनात का बनाने वाला भी हूँ और चलाने वाला भी हूँ, कादिर हूँ और कादिर मुतलक,
लिहाजा मेरा जो जी चाहता है मैं उसको अंजाम देता हूँ और जो नहीं चाहता हूँ उसको अंजाम नहीं देता। लिहाजा कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं इस अपने कानून को बदल दूँ और ये जो मौत जो तुम्हारी तकदीर में लिखी है मैं इसको किसी तरह से भी तब्दील कर दूँ। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। हाँ, ये और बात है कि जब मौत तुम्हारी तकदीर में लिखी जाएगी तो तुम इस दुनिया को, इस आलम को छोड़ कर चले जाओगे और तुम्हारे जाने के बाद भी ये ज़माना यूँ ही जारी रहेगा, ये दुनिया यूँ ही चलती रहेगी क़यामत तक, इसको अपना सफ़र जारी रखना है। लिहाजा तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया को चलाने के लिए इंतज़ाम ये होगा कि तुम्हारे अबदाल से, तुम्हारे अमसाल से इस दुनिया को जारी रखा जाएगा। यानी तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जगह पर दूसरे अफराद होंगे जो तुम्हारी जगह के ऊपर आकर बैठ जाएंगे और ये दुनिया यूँ ही जारी और सारी रहेगी। लिहाजा हम देखते हैं कि मजालिस में, इमाम बारगाहों में और बिलखसूस मसाजिद के अंदर अपने बचपन से जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो हमारी ज़िंदगी है, जो भी हमारा सिन है, अपनी इसी ज़िंदगी के दौर में हम देखते हैं कि 2 बरस पहले 4 बरस पहले फ़लाँ शख्स था जो इस जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ता था, उस मकाम पर इमाम बारगाह में वो तकिया किया करता था, उस मस्जिद में उसको उस जगह पर जगह दी जाती थी, आज वो हमारे दरमियान नहीं है और उसकी जगह के ऊपर दूसरे अफराद आके काबिज़ हो चुके हैं और अब वो वहाँ पर नमाज़ें पढ़ते हैं और मजालिस में शिरकत करते हैं। लिहाजा जो जगह हमारे जहन में महफूज थी कि फ़लाँ जगह उनके लिए मखसूस है, वो आज उसके अबदाल पैदा हो चुके हैं, वो जा चुके हैं और दूसरे अफराद ने वो जगह घेर ली है। अल्लाह कहता है इसी तरह से हम कायनात को जारी रखते हैं, तुम्हारे ऊपर मौत आती है, तुम्हारी जगह पर दूसरे अफराद, तुम्हारे अबदाल, तुम्हारे अमसाल आकर इस दुनिया को जारी और सारी रखते हैं। लिहाजा दुनिया जारी रहेगी, हमारी मौत से इस आलम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे अल्लाह, हमारे जाने से इस आलम पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेरी जगह पर दूसरे अफराद आ जाएंगे, हमारा क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि हमें मौत के बाद हमारा क्या होने वाला है। जवाब दिया, नुन शे अकुम फ़ी माला तालमून, तुम्हें एक ऐसे आलम में ले जा के बना दूंगा, मौत के बाद एक ऐसे आलम में जा के बना दूंगा, जमा कर दूंगा, खल्क कर दूंगा कि जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि मौत फना होने का नाम नहीं है बल्कि एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाने का नाम है। जब इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी के अदवार को तमाम करता है, अपनी ज़िंदगी के औकात और अपने अय्याम को ख़त्म करता है, तो उसकी एक नए सफ़र का आगाज़ होता है और एक नए आलम में उसको कदम रखना होता है। ये कौन सा आलम है इसको ना हम जान सकते हैं ना पहचान सकते हैं, क्योंकि कानून कुदरत यह है कि मा ला तालमून, तुम जानते नहीं हो कि यह आलम कैसा है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि इस दुनिया के अंदर खुदावंद आलम ने चंद रोज़, चंद माह या चंद बरस के लिए हमें भेजा है। इस दुनिया में हम अपने वक्त को गुजारते हैं और एक दिन मौत का फरिश्ता हमारी बालीन पर आके खड़ा हो जाता है और कहता है वक्त कामिल हो गया, अब यहाँ से तुम्हें जाना है। लिहाजा अगर मौत की हकीकत हमारी आंखों के सामने आ जाए और मौत की असलियत से हम वाकिफ हो जाएं, तो फिर मौत से हमें डर नहीं लगेगा बल्कि हम खुद इस्तकबाल करेंगे कि यह मौत आ जाए। क्यों? क्योंकि मौत फना होने का नाम नहीं है, मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत इंतकाल का नाम है एक आलम से दूसरे आलम में। लिहाजा खुदावंद आलम ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो बज़ाहिर एक हमारे पास जिस्म है और एक हमारे पास रूह है। यह जिस्म और रूह कि जिसको खुदावंद आलम ने हमारे हवाले किया है, इस जिस्म और रूह को इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया के अंदर चंद बरस हमें गुजारने और वक्त मुअय्यना के ऊपर दाई अजल को हमें लब्बैक कह देना है और मौत के फरिश्ते के सामने हमें सरनगू हो जाना है ताकि वो मौत का जायका हमको चखा सके, कि जिसके लिए 3 मरतबा कुरान करीम ने मुतअद्दिद अंदाज में आयतों को उतार के कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। देखो, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, वो मलक आएगा तुम्हें मौत का जायका चखाएगा और फिर तुम पलटा दिए जाओगे हमारी तरफ। लिहाजा मालूम यह हुआ कि ये जो जी नफ्स है इसको एक ज़माने तक दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है और मौत के हालात से बहरहाल एक दिन इसको दोचार होना है, और ये मौत का मज़ा चखने वाला कौन है? वो है नफ्स। जब बात नफ्स की आती है तो एक सवाल जहन में आता है कि इंसान खमीर और ज़मीर है दो बोद का, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। इंसान के पास क्या है? या जिस्म और या रूह। खुदावंद आलम भी कहता है कि हज़रत आदम को जब उसने वजूद बख्शा तो खाक के ज़रिए से जिस्म को आमादा किया। जब वो जिस्म अपनी सलाहियत पैदा कर लेता है और ज़र्फियत का हामिल हो जाता है कि रूह खुदा उससे मुत्तसिल हो जाए, तो फिर वो उसके अंदर रूह को पेवस्त कर देता है, एक रूह उससे मुतालिक हो जाती है और हज़रत आदम बज़ाहिर इस लायक हो जाते हैं कि मलाइका इलाह यानी अल्लाह के मुकर्रब मलाइका उस हज़रत आदम के मुजस्समे के सामने उसको क़िबला मानते हुए उनकी तरफ सजदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा हज़रत आदम के पास एक जिस्म है और एक रूह, तो औलाद आदम के पास भी या जिस्म है या रूह है। मगर अल्लाह जब मौत की बात करता है तो वह ना तो जिस्मों की बात कर रहा है और ना रूहों की बात कर रहा है।
हालांकि होना यह चाहिए था कि अगर मौत जिस्मों को आने वाली है तो आयत आती कुल्लु जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिस्म को मौत का जायका चखना है, या अगर रूह को मौत आनी थी तो फिर आयत आती कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का जायका चखना है। लेकिन अल्लाह ने ना जिस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ना रूह का, उसने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान करीम की फसाहत और बलागत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि मौत ना तुम्हारे जिस्मों को आने वाली है ना रूहों को आने वाली है, यह जिस्म भी तुम्हारा बरकरार रहेगा, यह रूह भी तुम्हारी बाकी रहेगी। यानी जिस्म खुदावंद, जो जिस्म खुदावंद आलम ने हमारे हवाले किया है, मौत का मज़ा यह जिस्म चखने वाला नहीं है, वगरना आयत में कुल्लु जिस्मिन की कैद होती और रूह भी मौत से दोचार नहीं होती। और अकलानी दलील यह है कि अगर जिस्म को मौत आ जाए और जिस्म फना हो जाए तो फिर रोज़ महशर में वो कौन सा जिस्म होगा जिसको कब्रों से बाहर निकाला जाएगा। लिहाजा मालूम यह हुआ कि यह जिस्म अल्लाह की कुदरत से बाकायदा तौर पर कुछ ज़माने के लिए मुतलाशी हो जाता है, खाक में मिल जाता है और ज़मीन और कीड़े और मकोड़े इसको खा लेते हैं, मगर रोज़ क़यामत में फिर क्या होगा, इस जिस्म को पलटाया जाएगा। कि सूरह क़यामत में बाकायदा तौर पर मुसलसल चार आयतों में इशारा करता है कि क़यामत के रोज़ की कसम खा के वो ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठाया जाएगा, तुम्हारी बुरादा की हुई हड्डियों को भी हम वैसे ही जोड़ देंगे जैसे ये दुनिया के अंदर थी। और एक और अजीम बात की तरफ इशारा करते हुए कहता है बला कादरीना अला अनुसव्या बनाना, बल्कि हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि जब रोज़ महशर तुम्हारी लाशों को, तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारे अबदान को हम कब्र से उठाएंगे तो हूबहू वही जिस्म होगा जो दुनिया में था, यहाँ तक कि तुम्हारी जिस्म की उंगलियों के ऊपर जो निशानात पड़े हुए हैं इनको भी तब्दील नहीं होने दूंगा, ये भी यूं ही निकल कर आएंगे जैसे दुनिया में मौजूद थे। लिहाजा मालूम यह हुआ कि जिस्म तो रोज़ क़यामत वापस आने वाला, रूह को भी मौत नहीं आती, इसलिए कि अगर रूह को मौत आ जाए तो फिर बरज़ख़ का सफ़र जो जिस्म मिसाली की सूरत में मुतअल्लिक़ होता है उस रूह से, उसको कौन तय करेगा। लिहाजा ना रूहों को मौत आती है ना जिस्मों को। इशारा हुआ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यह नफ्स क्या है, अगर नफ्स की हकीकत हमें मालूम हो जाए और मौत की असलियत की तरफ हमारी निगाह हो जाए तो फिर मौत को हम एक नए अंदाज से देखेंगे और मौत को फिर देखने का डर और खौफ जो होता है वो दूर हो जाएगा। अल्लाह कहता है जिस्म भी बाकी रहेगा, रूह भी बाकी रहेगी, नफ्स को मौत आएगी। क्या है नफ्स? खुदावंद आलम जब जिस्म और रूह को आपस में मुतअल्लिक करता है और इनके अंदर एक इर्तिबात और एक कनेक्शन पैदा होता है तो यही रूह है जिसके ऊपर एक नई कैफियत तारी होती है इस जिस्म के इल्तिकात की वजह से। और उस कैफियत के आने के बाद अल्लाह कहता है कि अब ये जो रूह थी इसको हम नफ्स कह के पुकार रहे हैं, लिहाजा अब जब मौत का मज़ा चखाया जाएगा तो रूह को नहीं, जिस्म को नहीं, बल्कि उस कैफियत को मज़ा चखाया जाएगा कि जो बदन और रूह के मिलने के बाद वजूद में आई थी। लिहाजा ये वो नफ्स है कि जो जिस्म और रूह के इल्तिकात से पहले वजूद नहीं रखता था, ये रूह और जिस्म के जुदा होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। मौत आती है उस कैफियत को, मौत आती है उस हालत को कि जो हालत जिस्म और रूह के मिलने के बाद वजूद में आता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह कहता है कि जब तक हमने तुम्हें ज़ी नफ्स नहीं बनाया तुम हमारे इरादे में रूह की सूरत में आलम ज़र में मौजूद थे। हम तमाम के तमाम अफराद जो ये समझते हैं कि जो जब पैदा होता है तभी वजूद में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तमाम अफराद के जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं हज़ारों हज़ारा बरस पहले अल्लाह ने हमको वजूद बख्श दिया था उस रोज़ कि जब उसने ये चाहा कि ज़मीन के ऊपर आदम को खलीफा बनाए और बनी आदम को तकरीम बख्शे तमाम मखलूक़ात के ऊपर, तो हज़रत आदम के जिस्म को बनाने के लिए ज़मीन से मिट्टी गई और अपनी कुव्वत की रूह को अल्लाह ने हज़रत आदम से मुतालिक किया। उसी वक्त अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद की अरवाह को पैदा कर दिया था और बना दिया था, और हम तमाम की तमाम अरवाह आलम ज़र और आलम अलस्त और आलम मीसाक में मौजूद थी कि जहाँ पर हम मौजूद थे ज़र्रात की सूरत में। लिहाजा हमारा वजूद उस वक्त नहीं होता कि जब हम माँ के शिकम में आते हैं, बल्कि हमारी रूह बहुत पहले से मौजूद होती है, मगर वो रूह जुदा होती है दुनिया में आने के बाद। जिस दुनिया के बसने के बाद हमारा जिस्म भी इस कायनात में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारा जिस्म उस वक्त वजूद में आता है कि जब हम बाप की असलाब से माँ की अरहाम की तरफ मुंतकिल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा जिस्म जो होता है, जो हमारा जिस्मानी जो हमारी कैफियत होती है, ये भी हमारे आबाओ अजदाद की रीढ़ की हड्डी में पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद होती है। हम अपने आबाओ अजदाद की रीढ़ की हड्डी में थे। कुरान करीम का खुला हुआ ऐलान है फलजंदुल इंसान कैफा खुलक खुलक मिम्मा इन दाफिक यखरज बैन सुलब व तराइब, ये इंसान अपनी तख्लीक की तरफ गौर क्यों नहीं करता, ये अपने आप को देखता क्यों नहीं कि इसको हमने कैसे पैदा किया है, एक नजिस गंदीदा उबलते हुए उछलते हुए पानी से कि जो इसके आबाओ अजदाद की रीढ़ की हड्डियों में जारी और सारी था।
लिहाजा हमारा वजूद पहले से था हमारे आबाओ अजदाद की रीढ़ की हड्डी में, जिस्मानी सूरत में हम वहाँ थे, रूहानी सूरत में आलम अलस्त में थे, फिर असलाब पैदरी से अपने आबाओ अजदाद की रीढ़ की हड्डियों से एक मौके मुयना के ऊपर अपनी माँ के अरहाम की तरफ हम मुंतकिल हो गए और हमारा वजूद हमारी माओ के अरहाम के अंदर आ गया। और जब उस रहम के अंदर हमने चार माह गुजार लिए मुसलसर, और हमारे इस नहीफ जिस्म ने ये ज़र्फियत हासिल कर ली, ये सलाहियत पैदा हो गई कि रूह खुदा हमारे जिस्म से मुतालिक हो जाए, तो चार माह के बाद अल्लाह कहता है फ़ानशा ना हो खलकन आखर, कि तुम्हारे जिस्म को हमने एक दूसरी मखलूक में तब्दील कर दिया। ये वो ज़माना होता है कि जब अल्लाह हमारे जिस्मों से हमारी रूहों को मुतालिक करता है, जब हमारे जिस्मों के अंदर जान पैदा हो जाती है, जब हमारा दिल धड़कने लगता है, जब हम ज़ी रूह हो जाते हैं, जब हमें हयात बख्श दी जाती है। ये चार माह के बाद माँ के शकम के अंदर, माँ के रहम के अंदर हमारा वजूद बदल जाता है। फ़ान शाह ना हो खलकन आखर, हम तुम्हें एक दूसरी मखलूक में तब्दील कर देते हैं। लिहाजा मालूम यह हुआ कि यह हमारा जिस्म भी पहले से मौजूद था, अल्लाह अकबर, हमारी रूह भी पहले से मौजूद थी। हाँ, जब ये इस रूह और जिस्म का इल्तिकात होता है उस चार माह के सिन में, कि जब हम माँ के शकम में होते हैं, जैसे रूह और जिस्म में इल्तिकात होता है, एक कैफियत तारी होती है रूह के ऊपर जिसका नाम नफ्स है। और इंसान चार माह के सिन के बाद साहिब नफ्स हो जाता है, और चंद माह के बाद, कभी चार माह के बाद, कभी पाँच माह के बाद, अपनी माँ के रहम से अपनी माँ के आगोश में आ जाता है। और जब यह माँ के आगोश में आँख खोलता है तो अब इसके पास एक जिस्म है और एक रूह, मगर जिस्म रूह के इल्तिकात की वजह से जो कैफियत तारी हुई है जिसका नाम है नफ्स, ये साहिब नफ्स बन जाता है। और इस दुनिया के अंदर अब इसको तमाम तरह की तरक्की को अगर हासिल करना है, इसको अगर सआदत उखरवी को हासिल करना है, इसको अगर कामयाबी, कि जैसे फलाह और बहबूद कहा जाता है कि हमने तुम्हें पैदा किया है फलाह और कामयाबी के लिए, इंसान के दुनिया में आने के जो असबाब तलाशे जाते हैं, कुरान करीम में सूरह ज़ारियात में कहता है वमा खलकतुल जिन्ना, सूरह बकरा में पहले तो वो ये कहता है खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीया, ज़मीन में मैंने जो कुछ पैदा किया, जो खल्क किया वो तुम्हारे लिए पैदा किया। सखर लकुम मा फिस समावात वमा फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन में जो कुछ पैदा किया वो तुम्हारे इख्तियार में, ज़मीन पर जो कुछ है वो तुम्हारे लिए, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है वो तुम्हारे इख्तियार में, सारी कायनात किसके लिए, इंसान के लिए। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, इंसान किस लिए, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन्ना तो इंसान इसलिए ताकि वो इबादत करें, मगर मकसद तो इबादत नहीं है सिर्फ, इबादत किस लिए, क्या माद अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज है, जैसा एक सवाल पैदा होता है, हरगिज़ नहीं। सूरह बकरा में वो कहता है या युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ए बंदो अल्लाह की, अपने परवरदिगार की इबादत किया करो, क्यों, अल्लज़ी खलक़कुम, ये इबादत इसलिए करो कि उसने तुम्हें खल्क किया है, तुम्हें बनाया है, तुम्हारा क्रिएटर वो खुदा है, उसकी तुम परस्तिश करो। और सिर्फ तुमको नहीं बनाया, आबा तुम्हारे आबाओ अजदाद को जो तुमसे पहले इस दुनिया में आए और चले गए, उनका भी खल्क करने वाला ये खुदा है कि जिनकी रीढ़ की हड्डी में तुम्हारे वजूद को मुंतकिल किया गया और वदियत किया गया। या युहन्नास ओ बोदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, क्यों करे इबादत, लाल लकुम तत्तकून, ये इबादत इसलिए करो ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाहु अकबर, यानी इबादत खुदा को नहीं चाहिए, इबादत चाहिए है तकवे को। अगर मुत्तकी होना है तो इबादत करना होगी, अगर तकवे की हदों तक दाखिल होना है तो इबादत का सहारा लेना पड़ेगा, इबादत खुदा को नहीं तकवे को चाहिए। फिर सवाल पैदा होता है क्यों बने मुत्तकी हम, क्यों इख्तियार करें तकवा, फिर आवाज़ आई सूरह बकरा से या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, तकवा, ये तकवा इसलिए इख्तियार करो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब इन चार आयतों को अपनी आंखों के सामने रखें, सारी कायनात इंसान के लिए, इंसान इबादत के लिए, इबादत तकवे के लिए, और तकवा कामयाबी के लिए। गोया मालूम यह हुआ कि इंसान के वजूद को दुनिया में भेजा था कामयाब होने के लिए, इंसान को अल्लाह ने जिस्म दिया ताकि कामयाबी तक पहुंच जाए, इंसान को साहिब रूह बनाया ताकि फलाह को हासिल कर ले। लिहाजा अब अगर फलाह को तलाश करना है तो देखना पड़ेगा कि फलाह के लिए कहां कहां बुलाया गया और कौन है मुफलहीन में, कौन है फलाह पाने वाला। एक मरतबा रोजाना हमें कम अज कम तीन मरतबा अजानों में सुनाई देता है कि अगर कामयाबी चाहिए तो हैया अलल फलाह, यह नमाज है जो तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। हैया अलल फलाह, नमाज की तरफ दौड़ो, हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ दौड़ो। यानी ये अजानों की सदाएं हमें कामयाबी की तरफ बुला रही। और उसके बाद
جب قرآن کریم کو ہم کھول کر دیکھتے ہیں اور سورہ مومنون کی آیتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے, قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہے, کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو کون ہوگا کامیاب؟ جو مومن ہے. کون ہے مومن؟ اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے ان نشانیوں کا, کبھی سورہ مومنون کا ترجمہ پڑھے گا. کون ہے مومن؟ قد افلح المومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ وہ افراد ہیں کہ جو نمازوں میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں. یعنی کامیابی کا معیار ہے نماز, کامیابی کا اصول ہے نماز کے اندر خضوع اور خشوع. بہرحال ایک جمبی بات آئی جو میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے بھیجا کامیابی کے لیے. اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس تین اسلحے ہیں, ایک کا نام جسم, ایک کا نام روح, اور تیسری وہ کیفیت جس کا نام ہے نفس. اللہ نے جو جسم اور روح ہمیں دی, چونکہ اس عالم میں ہیں, اس دنیا کے اندر ہیں, یہ عالم اسباب و مسببات کا عالم ہے, یہ کاز اور افیکٹ کا عالم ہے. یہاں پر ایک کا اثر دوسرے کے اوپر دکھائی دیتا ہے, یہاں پر ایک کا کیا گیا عمل دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوا کرتا ہے. اس دنیا کے اندر جب ہم نے کثافتیں دیکھی, غلاظتیں دیکھی, تمام طرح کی برائیاں دیکھی, تو محسوس یہ ہوا کہ اس جسم کو جب ہم گزاریں گے اس دنیا کے اندر زندگی, تو اس جسم کے اوپر کچھ بیماریاں طاری ہوتی ہیں. کاش متوجہ ہوں آپ, اس جسم کے اوپر کچھ بیماریاں طاری ہوتی ہیں. ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کبھی ہم سہارا لیتے ہیں ڈاکٹرز کا کہ کسی طرح یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے, اور ہم دواؤں کو استعمال کرتے ہیں, اور کبھی سہارا لیتے ہیں سرجری کا کہ ایسا مرض زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے سرجری کرنی ہوگی. لہذا اب جسم کی اصلاح کے لیے, جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے, جسم کی خرابی کو دور کرنے کے لیے جسم کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. کاش متوجہ ہوں آپ, جسم کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. اب اس دنیا کے اندر تو چونکہ ہمیں تمام اجسام نظر آتے ہیں, یہ عالم عالم مادہ ہے, لہذا جب جسم بیمار ہوتا ہے اور مریض ہوتا ہے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جسم میں بیماری آ رہی ہے. فوراً بیماری کو دور کرنے کے لیے مراجعہ کرتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف, مراجعہ کرتے ہیں حکیموں کی طرف, مراجعہ کرتے ہیں وید کی طرف, مراجعہ کرتے ہیں بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ کی طرف, تاکہ یہ جسم کی بیماری دور ہو جائے. مگر یہ جسم ہی تو ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ایک روح بھی ہے. لہذا اب مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جس طرح تمہارے جسموں کی چھ حالتیں ہوتی ہیں, اسی طرح تمہاری روحوں کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں. تمہارے جسموں کے اوپر بھوک طاری ہوتی ہے اور یہ سیر و سیراب ہو جاتے ہیں. بھوک طاری ہوئی, غذا دے دی, یہ سیر و سیراب ہو گئے. تمہارے جسموں کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے, آرام دے دیا تو یہ چاک و چوبند ہو جاتے ہیں. تمہارے جسموں کے اوپر بے ہوشی طاری ہوتی ہے, اور پھر تم اس بے ہوشی کو دور کرنے کے لیے بہت سے ذرائع کو استعمال کرتے ہو. یہ جو چھ عالم ہوتے ہیں کہ کبھی بھوکا ہے, کبھی تشنا ہے, اور کبھی پیٹ بھرا ہوا ہے, اور کبھی پیاس سے دور ہے, کبھی بیمار ہے اور کبھی صحیح و سالم ہے, کبھی بے ہوش ہے اور کبھی ہوش میں ہے, یہی عالم ہماری روحوں کا ہوتا ہے. کبھی ہماری روحیں بھوکی ہوتی ہیں اور ہم ان کو سیراب کرتے ہیں, کبھی ہماری روحوں کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے اور ہم ان کے آرام کا انتظام کرتے ہیں, اور کبھی ہماری روحوں کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے اور ہم کو انتظام کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہوش میں آ جائیں. مگر جسمانی بیماریوں کی طرف ہم جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں اور اصلاح کے لیے نکل پڑتے ہیں, لیکن ہم اپنی روح کے اوپر توجہ نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ روح بھوکی کب ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس روح کی غذا کیا ہے, ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری روح کے اوپر بیماریاں طاری ہو رہی ہیں, ہمیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ روح کو بھی کسی معالج کے پاس لے جانا چاہیے, ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ روح کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس بے ہوشی کو کیسے دور کیا جائے. ائمہ کرام نے سارے راستے بتائے, بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ تمہاری روح کی بھوک کیسے دور ہوگی, تمہارے روح کی بیماری کیسے دور ہوگی, تمہارے روح کی بے ہوشی کیسے دور ہوگی. وہ بہت سے قوانین ہیں, مجھے چند قوانین آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جلدی سے. دیکھیں عزیزان گرامی, جب جسم کے اوپر بھوک طاری ہوئی, گھر کے اندر آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تناول کیا اور تغذیہ کیا اور اس کو غذا بنایا, آپ کے جسم کی بھوک دور ہو جاتی ہے. آپ کھانا کھا لیتے ہیں دسترخوان پر جا کر, پیاس ہے تو پانی کا استعمال کرتے ہیں, جسم کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی. یاد رکھے کہ جس وقت دسترخوان پہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم خود استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی بھوک اور پیاس کو دور کرتا ہے, لیکن اگر یہی غذائیں جو ہمارے دسترخوان پر ہیں کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دیں جو ضرورت مند ہے, تو اب کھائے گا وہ, اس کے جسم کی بھوک مٹے گی, آپ کی روح کی بھوک مٹ جائے گی. یعنی جسم کی غذا ہے اپنے آپ کو کھلانا, روح کی غذا ہے دوسرے کے کھانے کی طرف توجہ کرنا.
जब हमारे जिस्मों के ऊपर गर्मी और सर्दी का इजहार होता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो हम कॉटन का लिबास निकालते हैं, सर्दी का मौसम आता है तो ऊलन कपड़ों की तरफ निगाह डालते हैं। इन लिबास को खुद हम जेबतन कर लें तो चंद माह की गर्मी हमसे दूर हो जाती है, चंद माह की सर्दी हमसे दूर हो जाती है। यही लिबास किसी ज़रूरतमंद के कंधों के ऊपर जाके डाल दिए, किसी ज़रूरतमंद के हवाले इन लिबास को कर दिया तो उसके जिस्म की गर्मी दूर होगी, उसके जिस्म की सर्दी दूर होगी, आपकी रूह खुशहाल हो जाएगी कि आप जरिया बन गए हैं उसके जिस्म की गर्मी और सर्दी को दूर करने के लिए। लिहाजा अजीज़ो, हमें मुतवज्जे होना चाहिए कि हमारे रूह की बीमारियां क्या हैं और इनका मुआलजा क्या है। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हारी रूह बेहोश होने लगे, जब तुम्हारी रूहें बेहोश होने लगे, अलबत्ता ये खुद एक एक मौजू, एक एक मजलिस चाहता है कि बेहोशी साबित कैसे होती है, इसकी अलामत क्या है, ये हमारे ऊपर क्यों आती है, इसको दूर करने का तरीका क्या। बहरहाल मौला फरमाते हैं इशारे में, जब तुम्हारी रूह के ऊपर बेहोशी तारी होने लगे तो इसको जला बख्शो, जब जंग लगने लगे तुम्हारी रूह पर तो इसको जला बख्शो। मौला कैसे जला बख्शे? कहा अच्छी अच्छी नसीहतों के जरिए से अपनी रूह की बेहोशी को दूर करो, ऐसी मजालिस में जाओ जो तुम्हारी रूह की इसलाह करें, ऐसे मदारिस में, ऐसे जलसों की तरफ, ऐसे दुरूस की तरफ, ऐसे हकीमों की तरफ जाओ कि जो तुम्हारी रूह की खुशहाली का सबब बने और तुमको जब अच्छी बातें बताई जाएं, अच्छी बातों से मुराद अल्लाह की बातें, अंबिया की बातें, आइम्मा की बातें, आखिरत की बातें, तुम्हें इंसान बनाने की बातें जब की जाएंगी तो तुम्हारी रूह की बेहोशी दूर हो जाएगी। लिहाजा अजीज़ो, हमें अपनी रूह की बीमारियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो अब अजीज़ो, ये जो नफ्स है, ये तो बात हो गई जिस्म की और ये बात हो गई रूह की। अब जब जिस्म और रूह आपस में मिले तो वो एक नई कुव्वत जो तारी हुई जिसका नाम है नफ्स। जिस्म और रूह जब तक दूर हैं, तीन सिफात उसके ऊपर आरिज नहीं होते। जैसे ही जिस्म और रूह आपस में मिलते हैं, तीन शहवत और तीन कुव्वत हैं, तीन कुव्वतें कि जो हमारे नफ्स के ऊपर तारी होती हैं, जिनका जिनका हमें ख्याल भी करना है, जिन पर गौर भी करना है और जिनकी इसलाह भी करना। तीन तरह की कुव्वतें हैं नफ्स की। पहली कुव्वत का नाम है कुव्वत आकला, यह अकल है कि जिसका ताल्लुक जिस्म और रूह के साथ होता है। दूसरी ताकत कुव्वत शहविया, हमारी ख्वाहिशात, हमारी हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, हमें अपनी जिंदगी के तमाम चीजों को मुहैया करना और इनकी जरूरत महसूस करना। और तीसरी कुव्वत कौन सी है? आकला हो गई, शहविया, और तीसरी है गजबिया, गजब की हालत। ये तीन हालतें उलमाए इरफान ने और सालिकान राह इलाही ने, कि जो अल्लाह की तरफ अपने रास्ते को तय करते हैं, उन्होंने कहा ये तीन कुव्वतें हैं जो अल्लाह की तरफ से नफ्स के हवाले की जाती, और ये वही तीन कुव्वतें हैं जो इंसान को इन तीन कुव्वतों के रखने की वजह से इतना मुमताज बना देता है कि अल्लाह कहता है कि ये मलाइका से अफजल हो जाता है इन्हीं तीन कुव्वतों की वजह से। यह इंसान है जो मलाइका से मुमताज हो जाता है। हम देखते हैं कि मलाइका भी एक जगह पर जाके हाथों को जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नबी खुदा इसके आगे अगर गया तो बालों पर जल जाएंगे। आपको आगे कौन कह रहा है? जिब्रील, जो सैयदुल मलक है, जो सैयदुल मलाइका है, मलाइका का सरदार है, वो कह रहा है इसके आगे अगर गया तो बालों पर जल जाएंगे, आपको तनहा जाना होगा। जबकि मलक वो है जो गुनाह नहीं करता, जिसके अंदर गुनाह का शायबा नहीं, जिसके अंदर कुव्वत गुनाह नहीं है, उसको भी इजाजत नहीं है कि इस मंजिल से आगे जाए। मगर उबूदियत में डूबने के बाद कुव्वत शहविया, कुव्वत आकला और कुव्वत गजबिया को कंट्रोल में रखने के बाद एक बंदा खुदा इतना आगे चला जाता है कि मलक पीछे रहता है और अब अल्लाह इसका इस्तकबाल करता है, उदुलुम मिन्नी, मेरे और नजदीक आ जाओ। जहां मलक नहीं पहुंच रहा है, ये औलाद आदम पहुंच रही है। जहां मलक को इजाजत नहीं है, उस मंजिल से आगे नहीं बढ़ सकता, वहां पैगंबर आजम को बुलाया जा रहा है कि और नजदीक आ जाइए, और नजदीक आ जाइए। और ये ओहदे उबूदियत, ये बंदा होना, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी फजीलत का हामिल होता है कि अल्लाह जब पैगंबर आजम को ताबका को मुतारिफ कराना चाहता है, पहचानवाना चाहता है, और नमाज में ये चाहता है कि आप उसकी नबूवत की गवाही दें, आप उसकी रसालत की गवाही दें, तो आप पे फर्ज ये करता है कि नबूवत और रसालत की गवाही बाद में देना, उसकी उबूदियत की गवाही पहले दो। लिहाजा हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए मेरे अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि यह मोहम्मद तेरे बंदे हैं और उसके रसूल, ये अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल। पहले उबूदियत की गवाही है, फिर रसालत की गवाही, इसलिए कि यह ओहदा उबूदियत इतना बुलंद है अल्लाह की निगाह में कि वो बुलाता है अपने बंदे को उस मकाम पर कि जहां जिब्रील को भी जाने की इजाजत नहीं। लिहाजा आप मेराज के वाकयात को जब आप कुरान करीम में तलाश करना शुरू करेंगे, जो उबूदियत की बुनियाद पर पैगंबर को मेराज पर बुलाया गया, ये उबूदियत अल्लाह की निगाह में इतनी बुलंद और इतनी बाला मरतबा है
कि जहां भी उसने कुरान में मेराज का तज़किरा किया वहां यह नहीं कहा कि मैंने नबी को बुलाया, वहां यह नहीं कहा कि मैंने रसूल को बुलाया, वहां यह नहीं कहा कि मैंने अपने हबीब को बुलाया या मोहम्मद या अहमद को। जहां भी मेराज का तज़किरा कुरान में मिला वहां यही मिलता है कि अपने आब्द को बुलाया। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को, अपने बंदे को ले गई, बिअब्दिही अपने बंदे को ले गई, मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। सूरह नज्म आयत नंबर 10 में कहता है फऊहा इला अब्दिही मा औहा, मेराज का तज़किरा है। अल्लाह पैगंबर आजम को तमाम तरह की नेमात को दिखाने के बाद, जन्नत का दीदार कराने के बाद, जहन्नम का नजारा कराने के बाद कहता है फऊहा इला अब्दिही, फिर हमने वही कर दी अपने बंदे की तरफ, मा औहा जो हमें करना चाहिए थी। यहां भी रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, मोहम्मद अहमद यासीन तासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सर कुछ नहीं, अपने बंदे की तरफ वही कर दी। लिहाजा निगाह कुदरत में उबूदियत वो बाला मरतबा है कि जब सबसे आला दर्जों पे पैगंबर को बुलाया गया तो रसूल और नबी नहीं कहा है, कहा मेरा बंदा है जिसको बुलाया है, मेरा बंदा है जिसकी तरफ वही की है। तो ये बंदा कब बनता है कि जब साहिब नफ्स हो, और ये तीन कुव्वतें हों, पहली तो कुव्वत आकिला, दूसरी कुव्वत शहविया और तीसरी कुव्वत गजबिया। तीन कुव्वतें हैं, यही इंसान को मुतमायज कर देती हैं कि मलाइका से आगे निकल जाता है, और यही तीन सिफात हैं कि जिनकी वजह से इंसान जानवर बन जाता है या उससे बदतर बन जाता है। आवाज़ आती है कल अनआम बलहु मजल, यही वो इंसान है कि जो या जानवर जैसा हो जाता है या उससे एक तरफ मलाइका से आला और बाला इन्हीं तीन कुव्वतों की वजह से, और एक तरफ जैसे जानवर हो या उससे बदतर, बल्कि कल कल्ब और कल हजर जैसे पत्थर हो और जैसे वो नजिस जानवर हो, यही इंसान बन जाता है इन तीन कुव्वतों की वजह से। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ये चाहता है कि इन तीन कुव्वतों को हम कंट्रोल में रखें। अगर इनमें हमने इफरात कर दिया, इजाफा कर दिया, तो भी इंसान अपनी इंसानी हदूद से खारिज हो जाता है। अगर इसमें तफरीत कर दी और कमी कर दी तो भी इंसान अपने इंसानियत के हदूद से खारिज हो जाता है। यही वो अक्ल है कि अगर बंदा इस्तेमाल ही ना करे, यही वो कुव्वत आकिला कि जिसकी बदौलत दुनिया के तमाम उलूम को हासिल किया जाता है और तरक्की का बायस बन जाते हैं, और मारिफत इलाही भी इसी अक्ल के जरिए से साबित होती और हासिल होती है। अगर इस अक्ल को तातुल का शिकार कर दिया जाए, कोने में रख दिया जाए, इस्तेमाल ही ना किया जाए, तो अब इंसान है जो जानवरों से बदतर हो जाएगा, क्योंकि इंसान और जानवर का फर्क यह है कि उसके पास अक्ल नहीं है और इसके पास अक्ल है। लिहाजा अक्ल का इस्तेमाल ना हो तो जानवर से बदतर हो जाएगा। लेकिन अगर यही अक्ल वहां इस्तेमाल होने लगे कि जहां इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तब भी ये इंसान जानवर से बदतर हो जाएगा। इसलिए कि हमें बैलेंस रखना है इस अक्ल को, ना हम वहां इस्तेमाल करें जहां पे इजाजत नहीं है आला मुआमलात में, ना इसको हम बिल्कुल उठा के किनारे रख दें कि इस्तेमाल ही नहीं करना है। बाज अफराद ने अक्ल को इतना इस्तेमाल किया कि अब वो अक्ल नहीं रही बल्कि शैतानत बन गई। इसलिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं इमाम से पूछा मल अक्ल, यह अक्ल है क्या, अक्ल क्या है? इमाम ने फरमाया अल अक्ल मा उबिदा बिहिर रहमान मक्तो सबा बिहिल जनान। अक्ल तो वो है जिससे रहमान की परस्तिश की जाए, जिससे अल्लाह की इबादत की जाए, जिससे परवरदगार की इताअत की जाए, वो अक्ल है। और मक्तो सबा बिहिल जनान, और इस अक्ल के जरिए से जन्नत को हासिल कर लिया जाए, उसको अक्ल कहते हैं। जो अल्लाह की परस्तिश से नजदीक और जन्नत के हुसूल का बायस बन जाए वो अक्ल है। फौरन पूछने वाले ने पूछा कि मौला अगर अक्ल उसका नाम है कि अल्लाह की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल कर लिया जाए, मा हिया फिल मुआविया, फिर वो जो फकीर शाम अली के दुश्मन के पास पाया जाता था वो क्या था? इसलिए कि हर इंसान तो यही समझता है कि बड़ा अक्लमंद था, चाहने वाला भी यही सवाल कर रहा कि वो जो फकीर शाम के पास था फिर वो क्या था अगर अक्ल से अल्लाह की परस्तिश की जाती। इमाम ने फरमाया लैसा मिनल अक्ल, वो अक्ल नहीं है जो उसके पास है, बल शैतना, बल्कि वो शैतनत है जो उसके पास पाई जाती थी। इसलिए कि अक्ल का तकाजा है रहमान की परस्तिश, अक्ल का तकाजा है जन्नत का हुसूल। अगर वही अक्ल इंसान को जन्नत से दूर कर दे, अल्लाह की इताअत से दूर कर दे, तो अब दिखाई अक्ल जैसी देती है। फरमाते हैं कि यह शिव है अक्ल है, यह अक्ल के जैसे दिख रही है मगर यह अक्ल नहीं है बल्कि यह शैतानत है। लिहाजा अब यही अक्ल अगर हुसूल जन्नत में इस्तेमाल हो, हुसूल मर्ज़ी परवरदगार में इस्तेमाल हो, तो फिर यह अक्ल कहलाएगी। और अल्लाह इस अक्ल की बुनियाद पे इंसान को बंदा बना के कहता है कि उदनु मिन्नी, मेरे नजदीक आ जाओ। लेकिन अगर यही अक्ल
عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے استعمال ہونے لگے اور فرعونیت سوار ہو جائے تو پھر یہ عقل کیا کہلائے گی؟ یہ شیطنت کہلائے گی کہ جو جہنم کی طرف کھینچ رہی. دوسری قوت, قوت شہویہ, یعنی ہماری خواہشات, کبھی کھانے کی خواہش, کبھی پینے کی خواہش, کبھی جسمانی خواہش, کبھی جنسیاتی خواہش. یہ خواہش ہے کہ اگر اس کے اندر تعطل کا شکار ہو جایا جائے, ان کو کنارے رکھ دیا جائے کہ ہم آج سے کھانا ہی نہیں کھائیں گے, آج سے ہم پانی ہی نہیں پئیں گے, اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے اپنی خواہش کو, ہم آج سے وہ تمام طرح کی چیزیں ترک کر رہے ہیں جو شہوت کا سبب بنتی ہیں, تو اللہ کہتا ہے تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم خودکشی کرو اور کھانا نہ کھاؤ, تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے جسم کی ضرورت کو پورا نہ کرو اور روحانیت کی زندگی گزار لو اور معاشرے سے جدا ہو جاؤ. اسی معاشرے میں رہ کے تمہیں اپنی قوت شہویہ کو بیلنس رکھنا ہے, نہ اس میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ تم اس کا شکار ہو کے راہ خدا کو چھوڑ دو. اب اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے نہ راہ حلال کی تک کو تصور کرو اور نہ راہ حرام کو, بلکہ بس یہ کوشش کرنے لگو کہ کسی طرح پیٹ بھر جائے اور یہ قوت شہویہ اپنے تکامل تک پہنچ جائے, تو اللہ کہتا ہے یہ بھی قبول نہیں ہے. لیکن تمام طرح سے کنارے رکھ کے ہم کھانا ہی چھوڑ دیں اور پینا ہی چھوڑ دیں, کہا یہ بھی اجازت نہیں. اس کو درمیان میں رکھو, جو راہ حلال ہے اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کی ضروریات کو پورا کرو, اپنی خواہشات کو پورا کرو. اور جس نے ایسا کر لیا تو پھر عزیزان گرامی, وہ اگر روزہ بھی رکھتا ہے اب آنے والا دروازے پہ آ کے کہے کہ سائل آؤں, سائل ہوں فقیر کی صورت میں, تو یہ اپنی بھوک کو مارنے کے لیے جو روٹیاں استعمال کرتے ہیں وہ مرضی پروردگار کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں لا نورید منکم جزاء ولا شکورا, اس کے بدلے میں تم سے کوئی احسان کوئی شکریہ نہیں چاہیے, یہ ہم نے تم کو دیا ہے اللہ کے لیے. اور اگر عزیزان گرامی یہی قوت اور شہوات اور یہ خواہشات فرعونیت میں تبدیل ہو جائیں, اور اگر اس کو انسان کو یزید جیسا ظالم و جابر بنا دیں کہ اب اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی مرکن غذاؤں کے حصول کے لیے, اس کو یہ اس کو اپنی شہوات کی بھوک کو مٹانے کے لیے معصوموں کا قتل بھی کرنا پڑے تو اسے گریز نہ ہو, تو اب یہی قوت ہے جو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی. لہذا ہم کو استعمال کرنا ہے اس شہوت کو بیلنسڈ رکھتے ہوئے, نہ افراط ہونا چاہیے اور نہ تفریط. تیسری قوت اور آخری قوت اور زحمت تمام, قوت غضبیہ, کہا یہ نفس کی یہ قوت تھی کہ ہم نے تمہیں صاحب غضب بنایا ہے, یہ تمہارے انسان ہونے کی علامت, لہذا اگر اس میں افراط ہو جائے اور غضب کے بعد انسان فرعون اور نمرود بن کے لوگوں پہ ظلم کرنے لگے تو اس کو بھی قبول نہیں کروں گا اور یہ بھی جہنم کا راہی ہے. اور اگر کوئی اپنے غیظ و غضب کو کنارے رکھ دے اور صاحب غصہ ہی کرنا چھوڑ دے, یعنی بے حیا ہو جائے, تو پھر اللہ کہتا ہے اس کو بھی قبول کرنے والا نہیں ہوں. غصہ اور غضب یہ انسان کی عفت کا سبب بنتے ہیں, انسان کی شجاعت کا سبب بنتے ہیں کہ اگر ان کو کنارے رکھ دیا جائے تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے ہم اپنے معصومین کے لیے اور بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں, موسیٰ کاظم, موسیٰ آپ کا نام ہے, کاظم لقب ہے. کاظم کسے کہتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آتا تو ہے, اللہ اکبر, مگر اسے پی لیا جاتا ہے. یعنی اگر غصہ آئے نا تو یہ بزدلی ہے, یہ کائر ہو جانا ہو جائے گا. اگر کسی کو غصہ ہی نہ آئے تو جہاد کے راستے بند ہو جائیں گے. اگر مولا کائنات کو غصہ ہی نہ آتا تو مرحب کو کیسے مارا جاتا؟ اگر مولا کو غصہ ہی نہ آتا تو پھر امر عاص کو کیسے پچھاڑا جاتا؟ غصہ آنا چاہیے, یہ انسانیت کا لازمہ ہے, یہ قوت ہے انسانی, لیکن اس غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے, کہاں پہ استعمال کرنا ہے, رضا پروردگار کے لیے یا اپنی خواہش کو بس مٹانے کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہوگا. لہذا ان تین قوتوں کو اگر ہم صحیح سے استعمال کر لے گئے, قوت عقلہ, قوت شہویہ اور قوت غضبیہ, تو پھر ہم انسانیت کے ان حدود میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں پر پھر انسان کو پکار کے کہا جاتا ہے اودن منی, میرے نزدیک آ جاؤ, ہم نبی جیسے نہیں ہو سکتے. یقیناً وہ معصوم ہے, وہ منصوص من اللہ ہیں, مگر عزیزوں جب باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کے جیسے زندگی گزاریں تو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے ایسی مجالس میں کہ صاحب آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم نبی بن جائیں اور آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ امام ہم بنے امام بن جائیں, ہم نہیں بن سکتے. یقیناً ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے, ان کے غلاموں کے پیروں کی خاک بھی بن جائیں تو بڑی بات, مگر ہاں اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں بن سکتے, ہم معصومین جیسے نہیں بن سکتے, تو کم از کم اپنے آپ کو فرعون اور شداد جیسا بھی تو نہ بنائیں, کم از کم اپنے آپ کو یزید اور ابو سفیان جیسا بھی تو نہ بنائیں. آخر ائمہ اہل بیت, انبیاء کرام کے بہت سے چاہنے والے ایسے ہیں جو معصوم نہیں ہیں, مگر زندگی کی جب ان کا جائزہ لیتے ہیں
تو یہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایسی زندگی گزاری ہے جو صبح قیامت کے لیے مثال بن گئی. اور پھر انسان زندگی کے جس موڑ کے اوپر، جس دور کے اوپر، جس حالت میں بھی متوجہ ہو جائے کہ اب اس کو ان تین قوتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو اپنے جسم کی بھوک کے ساتھ روح کی بھوک کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کو اپنی عقل کے ذریعے رحمان کی پرستش کرنا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے، زندگی کے جس موڑ پہ بھی سمجھ میں آ جائے بس وہی کفایت کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جوانی میں اپنے آپ کو سدھاریں اور نہیں سدھارا ہے تو اب بڑھاپے میں مایوس ہو جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جب جس وقت سن لیں وہ اسی وقت سے اپنے آپ کو سدھاریں، یقیناً یہ ہونا چاہیے مگر مایوسی ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کربلا کا میدان ہمارے سامنے ہے کہ وہ حر کہ جو پوری زندگی یزیدی لشکر میں ایک کارندہ ہے، کہ بظاہر شاید جس کا مال بھی مال حرام رہا ہو، کہ جو ظالم فوج کا ایک سپاہی اور ایک کمانڈر ہے، مگر جب شعور بیدار ہوا، جب بصیرت پیدا ہوئی، جب عقل بیدار ہوئی، جب یہ محسوس کیا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس غصے کو حسین کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، حسین کی موافقت میں استعمال کیا جائے، ان شہوات کو شیطان کی اطاعت میں خرچ نہ کیا جائے، اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے، بس جیسے ہی اس کا احساس ہوتا ہے بیٹے سے کہتا ہے میرے ہاتھوں کو باندھ دے، کریم ابن کریم کا بیٹا ہے حسین، معاف کر دے گا. متوجہ ہوا حر، اپنے ماضی کی طرف نادم ہوا، حسین مظلوم کربلا کے نزدیک آ کے کہتا ہے مولا اگر خطا معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائے، اور حسین نے خطا کو معاف کر کے قیامت تک آنے والوں کو ایک درس دے دیا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، حتیٰ موت سے کچھ گھنٹے قبل، کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ موت سے پہلے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، حر دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے بعد موت کا سامان ہے، مگر آیا ہے حسین کے پاس، مولا اگر خطا معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائے. حسین نے مایوس نہیں کیا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ شہر عزا سے آپ کا تعلق، ہزاروں مجرالی سے آپ نے سنی ہوں گی کہ حسین نے کیا کیا، سینے سے لگایا، میں نے معاف کیا، میرے آبا و اجداد نے. وہ حر جو ماد اللہ نعوذ باللہ قیامت تک کے لیے اگر ادھر سے جنگ کرتا تو لعنت اللہ کا شکار بنتا، وہ علیہ السلام بن گیا. حسین نے سینے سے لگایا، اب قیامت تک کے لیے صلوات ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے، معصوم سلام پڑھتے ہیں جب جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے، تو شہداء کربلا پہ سلام پڑھتے ہیں، معصوم ہستیاں جب سلام پڑھتی ہیں تو ان شہداء کربلا میں ایک نام حر کا بھی ہے، حر کو بھی سلام کرتا ہے معصوم. کیوں؟ کیونکہ متوجہ ہو گئے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، متوجہ ہو گئے ہیں کہ حسین کی اہمیت کیا ہے، معلوم یہ ہو گیا ہے کہ راہ خدا اور اس پہ چلنے کا انعام کیا ہے، اور یزید کی اطاعت کی سزا کیا ہے، اور شیطان کا بندہ بن جانے کا نقصان کیا ہے. لہذا عزیزو، وہ حسین جو وقت آخر حر کو معاف کر سکتا ہے، ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں. کیا حسین ہمیں معاف نہ کرائیں گے؟ یقیناً معاف کرائیں گے، مگر یہ معافی اسی دنیا میں ہونا چاہیے، یہ معافی اسی زندگی میں اگر حاصل ہو تو یقیناً ہم معاف ہونے والے ہیں. لہذا جیسے ہی ضمیر کا حر بیدار ہو، شعور کا حر بیدار ہو، آئیں حسین کے ذریع کے اوپر، آئیں حسین کے اس تعزیے کے اوپر اور اس شبیہ ذریع کے اوپر، اور آنے کے بعد کہیں کہ ماضی میں جو زندگی گزری اس کے لیے معافی کا خواہاں ہوں، اس کے اوپر پچھتاوا ہے، اس کے اوپر نادم ہوں میں، اور مجھے معاف کر دے تاکہ میں نئے راستے کے اوپر چل دوں. تو پھر وہ حسین جو حر کو معاف کر سکتا ہے کیوں نہ معاف کرے گا، جس نے پیدا ہوتے ہی فطر اس کو معافی دی ہو، جس نے دنیا سے جانے کے عین وقت پہلے حر کی نجات کا سامان مہیا کر دیا ہو، ہماری نجات کا سامان کیسے مہیا نہ کرے گا. لیجئے اجازت ملی حر کو، ہم نے معاف کیا، اگر معاف کر دیا تو مرنے کی اجازت دیجئے. اجازت مل گئی، بوڑھا باپ میدان کاردار کی جانب جا رہا. عزیزو، ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، جس نے پوری زندگی محبت اہل بیت میں زندگی گزاری، عابد شب زندہ دار، جس کے لیے مجھے معلوم یہ ہوا کہ نماز شب کے وقت کی پابندی اتنی تھی کہ شاید ایک ہفتے سے زیادہ نماز زندگی میں قضا نہ ہوئی مرحوم کی، اور نماز شب کا جو ٹائم ان کا مخصوص تھا، پوری زندگی اس مخصوص وقت کے اوپر نماز کو انجام دیا کرتے تھے. یہ نماز شب وہ ہے جو انسان کی دنیا میں بھی عزت کا سبب بنتی ہے، قبر کی تاریکیوں کو بھی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور محشر میں یہ نماز ہوتی ہے جو شفیع بن کے آ جاتی ہے. میرے اللہ میرے توسط سے میرے پڑھنے والے کو معاف کر دے. خدا بند عالم غریق رحمت کرے مرحوم کو، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے اقربا، ان کے اعزا، ان کے بعض ماندگان کو صبر جمیل عطا ہو. لیجیے عزیزان گرامی، حضرت حر کو اجازت ملی، بوڑھا باپ ہے، میدان کاردار میں جانا چاہتا ہے، جوان سامنے سے راستے کو روک کے کہتا ہے بابا ایک عرب کے لیے یہ بڑا آر ہوگا کہ بوڑھا باپ
मैदान कारजार में जाके कत्ल हो जाए और जवान खेमे में महफूज रहे। अगर मरना ही है तो पहले बेटा जान कुर्बान करेगा, फिर आप जाइएगा हुसैन पे अपनी जान का हदिया पेश करने के लिए। बूढ़े बाप ने देखा कि जवान बेटा है कि जो इजाज़त तलब कर रहा है, हुसैन के नज़दीक लेकर आए, मेरे बच्चे को इजाज़त मिल जाए तो बेहतर है। बच्चे को इजाज़त मिली, मैदान कारदार में इब्ने हुर है, जंग के जौहर दिखा रहा है, अचानक एक गुर्ज ऐसा सर पे पड़ा, आवाज़ दी, या बता हादरकनी, ए मेरे बाबा मेरी मदद को आओ। बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे जाता है, क्या देखा कि हुर से पहले हुसैन मज़लूम करबला है, जो हुर के बच्चे के जनाजे पे पहुंच चुके हैं। हुर के बेटे का सर हुसैन के जानू पे है। ये किसका जानू है? सैयदा शबाब आलल जन्ना का एक मिज़दाक हुसैन है, जन्नत के जवानों के सरदार है हुसैन, और उसके जानू पे हुर के बेटे का सर है। तड़प के कहा, मौला गुलामों के सर आका के जानू पे नहीं होते। और वो मशहूर जुमला हुसैन का कि जवान की मैयत पे बूढ़े बाप आया नहीं करते। मैं कहूँगा मौला हुर का इतना ख्याल है, अभी चंद साहते गुजरेंगे, कड़ियल जवान का जनाजा होगा, ये आपका जानू होगा, और आप कहेंगे कि आओ बनी हाशिम के बच्चों, आओ अपने जवान के जनाजे को लेके जाओ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सवाए गमे अहले बैत के लीजिए। हुर का बेटा भी शहीद हो गया, हुर भी जा चुका है। तमाम सुबह से लेकर असर तक एक एक अजीज और एक एक करीबी और एक एक चाहने वाला जान का हदिया पेश कर रहा है। असर आशूर का हंगाम, मैदान करबला में हुसैन मज़लूम करबला, हल मिन नासर यंसुरना की सदा बुलंद हो रही है, मलाइका का कौल आ रहा है, अजिन्ना आ रहे मदद के लिए, सबको वापस किया जा रहा है। हुज्जते तमाम हुई, हुसैन मज़लूम करबला ने तलवार को बेमियान किया, मैदान कारदार में जंग के जौहर दिखाने शुरू किए। आओ तीन दिन के भूखे की जंग देखो, आओ तीन दिन के प्यासे की जंग देखो, आओ अब्बास हुसैन की जंग का मुशाहिदा करो। अकबर, अरे तुम्हें बड़ा ख्वाब था कि बाबा की जंग का मुशाहिदा करोगे, आओ देखो हुसैन किस तरह से जंग करता है। फौजों में तलातुम बरपा है, अलमान अलहफीज की सदाएं बुलंद हो रही हैं, दीवार कूफा से फौजें टकरा रही हैं। लीजिए अजीजाने गिरामी, असर का हंगाम नजदीक होता है, अजान के लिए एक मुअज्जिन पहुंचता है गुलदस्ते अजान पर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, मुहाफिज़े सलात ने सजदे खालिक में अपने सर को रखा है, भागी हुई फौजें सिमट के आ रही हैं। हुसैन मैदान कारदार में वक्त आखिर जिहाद कर रहे हैं, जुलजना है जो अपने जमाने की हुज्जत खुदा की मुहाफिजत के लिए अपने पैरों से हुसैन की हिफाजत कर रहा है। मगर एक मलऊन कुंद खंजर को लेके आगे बढ़ा, सरोतन में जो जुदाई करना शुरू की है, अरे ये कुंद खंजर हुसैन के गले पे नहीं चल पाता। कोई पूछता है कि क्या वजह है कि हुसैन के सरोतन में जुदाई नहीं होती? बाद उलमा पढ़ते हैं 70 मरतबा इस हल्क के ऊपर खंजर को चलाया गया, जब वजह मालूम की गई, खंजर इतना कुंद था, हुसैन का गला इतना खुश्क था कि यह खंजर आसानी से ना चलता था। जितनी मरतबा खंजर चला, नशेब से एक माँ के रोने की सदा, ए पिसारे साथ, अरे मैंने अपने बच्चे को चक्कियां पीस के पाला था, इसने कौन सी खता की है? तीन दिन का भूखा प्यासा जमीन करबला पे ज़बह हो रहा है, तू देख रहा है नबी का नवासा अली का लाल जमीन करबला पे कत्ल होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीम लिअम्रे सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब यनक़लिबून। हज़रात मज़ीद गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिज़वी इब्ने सैयद मुजफ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब।